जिला अस्पताल से 4 दिन के नवजात का अपहरण करने वाले मुख्य अभियुक्त नीरू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर इलाके से है। तकनीकी और आमजन की सहायता से नवजात बच्चे का अपहरण से लेकर 30 घंटों में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त और उसकी मां को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। डूंगरपुर जिला अस्पताल VKSNCU वार्ड से रविवार सुबह करीब 10 बजे एक 4 दिन के नवजात का अपहरण करने की घटना हुई थी, जिसे जिला प्रशासन और शहर में हड़कंप मच गया था। नवजात के अपहरण के बाद नवजात की मां का हाल रो रो कर बुरा हो गया था। साथ ही साथ पुलिस सूचना मिलते ही अपने काम में भी जुट गई थी। अस्पताल में लगे CCTV फुटेज और जहां जहां महिला अपहरणकर्ता के गुजरने की संभावना थी उसे ध्यान में रखते हुए रविवार को ही पुलिस ने 10 टीमें बनाकर नवजात की तलाश में लगा दी थी। इस बीच सोमवार को मोची समाज, जिनका नवजात था, आक्रोशित होकर अस्पताल और कलेक्टर कार्यालयों पर जाकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर से नवजात को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की गुहार भी लगाई। सोमवार शाम होते ही खबर आई कि नवजात को तलैया गांव में अपहरणकर्ता नीरू के ससुराल से बरामद कर लिया गया है और नवजात स्वस्थ है। साथ ही साथ नीरू की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि इस वारदात के मुख्य अभियुक्त नीरू का पति दिनेश और नीरू के भाई नवजात के अपहरण के वक्त नीरू के साथ थे, वो पुलिस के गिरफ्त से अभी दूर हैं। बहुत जल्द पुलिस इन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। इस पूरी पुलिस कार्रवाई का जिला पुलिस के अधीक्षक ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया। नवजात को अस्पताल की टीम ने मौके से रेस्क्यू कर अस्पताल में पहुँचाया और भर्ती कराया। नवजात पूर्ण रूप से स्वस्थ बताया जा रहा है। नवजात को सकुशल लेन पर अस्पताल में मौजूद मोची समाज और अन्य लोगों द्वारा जिला पुलिस टीम के सदस्यों को पुष्पमाला पहनाया गया और हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। वेल, तब तक के लिए ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो विपिन जोशी की रिपोर्ट। उसके संबंध में हम कल से ही काफ़ी प्रयासरत थे। हमने लगभग 10 टीमें गठित करी थी और जो बच्चे को लेकर के जो अक्यूज्ड हैं उनका हमने मूवमेंट ट्रैक किया। CC कैमरा के आधार पे हमारे को कुछ उनके मूवमेंट का रूप मालूम पड़ गया था और ये मूवमेंट ट्रैक करते करते हम शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक भरूठी गाँव में वहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद में हमारे को लोकेशन नहीं मिल रहा था। उसके आधार पर आगे डेवलप करते हुए और जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं उनसे पूछताछ करते हुए एक सघन अभियान हमने चला रखा था। पब्लिक को भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया था। उसके आधार पर हमें मालूम पड़ा कि नीरू नाम की एक महिला है जो भटवाड़ा की रहने वाली है और जिसकी शादी तलैया गांव है बीछीवाड़ा क्षेत्र में वहाँ कराई है, जिसके कोई बच्चा नहीं है। तो ये संभावना बनी कि शायद इसने ये बच्चा उठाया होगा। फोटो में जो फुटेज आ रहे थे उससे इसका कुछ मिलान भी हो रहा था। उस आधार पर आगे बढ़ते हुए आज हमने इस नीरू नाम की महिला को अरेस्ट किया है और इसकी कस्टडी से उस बच्चे को सेफ्टी रेस्क्यू कर दिया है। बच्चा हेल्दी है और इस वारदात के अंदर इसका भाई योगेश वो भी इन्वॉल्व था और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इसकी मदर रमीला और इसका पति दिनेश उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी मदर को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसका पति और इसका भाई अभी पकड़ से बाहर है, उनके लिए टीमें भेज रखी है पर बच्चा हमने सेफली रेस्क्यू कर लिया और मेन अक्यूज को अरेस्ट कर लिया।